पीछे जो सब लोग अच्छे से ग्रुप कर लेते हैं बैग आ जाओ जरा भी गंदा सब नहीं है स्किज मी भाई पीछे आओ ना अगर आप डिस्टर्ब मत कीजिए आप वहीं नीचे जाइए ना सर वहाँ पे साइलेंट साइलेंट प्लीज जरा यार कोई किस्तो तो सेंटर चाहिए मुझे यार सेंटर थोड़ा हाँ एकदम सेंटर चाहिए सीम को सेंटर हाँ और क्या तो शाडो को डालो ओके इसके पास में डाल इसके पास में जाओ तो शाडो आएगा ओके Thank you.
क्या बात है? अजय मेरा, तुमने तो पूरा मैदान ही साफ कर दिया। सब ये मुझे बचा यार यार भी मुझे माफ कर। तुम लोग बता दो नहीं, लेकिन पहले हमारे हिस्से की निवेदन तो दे दो। अगर तुम वो जो तेजी से जो हीरे उगाने वाले हो उसमें से 50% हमें दे दो तो शायद कुछ हो सकता है। आगे चल सनी जी, कैसे लग रहा है सीआईडी में योर प्रमोटिंग योर मूवी घायल वंस अगेन? एनी स्पेशल एक्सपीरियंस? I had done this earlier also, when since I had released, and this is the second time I'm doing it. It's always been very beautiful working with them because it's again something to do with my genre. तो मैंने बोल दिया नहीं बनना चाहिए, तो क्या बोलूँ उसके बारे में? वैसे भी मैं जो चीज़ मैं बोल चुका हूँ उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं? अच्छा सनी जी, टॉकिंग अबाउट द फिल्म रिलीज डेट पोस्टपोन हुई है दोबारा, तो क्या वजह है इसके पीछे? एक्चुअली पहली बार रिलीज दिवाली की है मैंने, पहले तो ऐसे लोगों की स्पेकुलेशन थी मैं दिवाली पे आ रहा हूँ। आई एम नॉट कम्प्लीटली हैप्पी विद एवरीथिंग व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, स्पेशली माय स्पेशल इफेक्ट्स, सो आई कुड नॉट सी माई सेल्फ कि मैंने 2 साल लगाए पिक्चर के ऊपर एकदम से मैं अभी स्पेशल इफेक्ट सब सही ना हो, मैं स्ट्रेट अवे जाकर रिलीज कर दूँ। सो फॉर मी दैट वॉज द मेन रीज़न, एंड अभी नाउ आई एम हैप्पी दैट आई कैन टेक अ सारे फिल्म भी घाई घाई में मैं खाली के लिए पिक्चर नहीं लगा रहा था। सो दैट्स व्हाट इट इज टेक्निकली बेसिक। Yeah, we are in talks with a couple of production banners. Let's see which one we shake hands with. So, Sunny, do you like promoting your films, on small screens? Definitely now it's become a thing as important के जितनी important आप picture बनाने में अपनी जितनी मेहनत लगाते हैं उतनी मेहनत यहाँ भी लगानी पड़ती है, क्योंकि otherwise लोगों तक हम पहुंच नहीं पाते। और आई थिंक दिस इज दी थिंग विच इज़ अ मस्ट फॉर एवरीबडी, इसलिए भी मैं भी कर रहा हूँ। बट द ब्यूटी ऑफ इट इज राइट नाउ, पहले मैं भागता था, अभी आई एम ट्राइंग टू एंजॉय। सो व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट सीआईडी यू लाइक? आई थिंक लाइक आई सेड इट इज बेसिकली द वन एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट इट्स सो पॉपुलर, एंड इट्स पॉपुलर बिकॉज पीपल लव इट, एंड इट्स बीन देयर फॉर सो मेनी इयर्स, ओके, सो यू कांट डिनाई दैट। And definitely then, when something which is being watched by everybody and which is again matching with the kind of my dial is, Ajay Mehra ka jo character hai. So what can be a better marriage than this? Sir, you were Big Boss pe gaye the, wahan pe aapko kaafi intezaar kiya. कुछ दिनों पहले प्रमोशन के लिए आप बिग बॉस के सेट पे गए थे, तो वहाँ पे आपको काफ़ी इंतज़ार कराया गया, यहाँ पे सीआईडी पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर ऐसा तो कुछ आप क्या एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं? हम लोग खुद शूटिंग में कितनी दफ़ा लेट जाते हैं, तो उसका कोई रीज़न होता होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सो आई मीन डेफिनेटली इट हैज़ बीन ऑलवेज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट ओवर एंड ओवर अगेन। व्हेन माय नेक्स्ट फिल्म कम्स डेफिनेटली आई विल कम अगेन ओवर हियर नॉकिंग ऑन द डोर, व्हाई नॉट? क्या मुझे पसीना आ रहा है कुछ? हम लोग बेसिकली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड जो हम कर रहे हैं, एंड इसमें मुझे एक्शन काफ़ी करना पड़ रहा है, एंड अगेन इट्स अ केस विच हैज़ टू बी सॉल्व, एंड एज आई सेड जैसे मेरा कैरेक्टर जो अजय मेहरा का है, हु इज़ घायल के अंदर इज़ एन इन्वेस्टिगेटर काइंड ऑफ अ जर्नलिस्ट, तो उस तरह से
इसके अंदर मेरी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो गई है तभी मैं दो दिन से शूट कर रहा हूँ भाई ये बताना ज़रूरी है कि नॉर्मली जो एक्टर्स आते हैं फिल्म के प्रमोशन के लिए हमारे यहाँ पे मैक्सिमम एक या दो सीन्स में होते हैं सनी जी ऑलमोस्ट हाफ द एपिसोड में है ऑलमोस्ट 8 to 10 एपिसोड सीन्स या 8 to 10 सीन्स ऑलमोस्ट हाफ द एपिसोड में सनी जी है हमारे विद एक्शन विद एक्शन मेरा क्वेश्चन सनी से आपसे है सर गायल एंड गायल गायल वंस अगेन में क्या मेजर डिफरेंस है एक तो मैं तब जो था और आज में बहुत डिफरेंस है उसमें सो डेफिनेटली वो कहानी उस वक्त की थी ये कहानी आज की है 2015 के 2016 हो जाएगी सो इट्स अबाउट टुडे सोसाइटी बेसिकली एंड अजय मेहरा जो उस वक्त यंगस्टर था इस वक्त ही इज़ 90s लेट 40s और तो आई वांटेड टू मेक हिम वेरी एविडेंट इन आज की सोसाइटी में अगर अजय मेहरा हो तो क्या असर हो रहा होगा क्या कर रहा होगा Thank you. Sir.